से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं अकबर साहब, आप बहन बहन बोलते ना, नाहिदा खाजी के घर पे हमला हो गया। अकबर ऋषि साहब, नाहिदा खाजी को बहन बोलते ना, नाहिदा खाजी के घर पे हमला हो गया और मुमताज अहमद खान उनके बेटे इम्तियाज के रसोई हमला है, आज पुलिस आ गई, बताओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं भाई साहब रघुनंदन खान जी, इस वक्त मेरे घर के ऊपर हमला कर दिए, इस वक्त मेरे घर के ऊपर हमला कर दिए, कमिश्नर पुलिस, रचकुना पुलिस, पुलिस। मैं सैयदा नाहिदा खान हूँ, इस वक्त मेरे घर पे हमला किया गया पूरा, देखा इस वक्त मेरी फैमिली बहुत मुसीबत में है, मैं रचकुना पुलिस से मैं मदद की अपील कर रहा हूँ। मैं ऑनलाइन पुलिस की फोन मारी, मैं 110 डायल करी, लेकिन अभी तक पुलिस हमारे पास कोई मौजूद नहीं है, अभी अभी आगे पूरे देख सकते हैं पूरा है ना, अभी तक पुलिस नहीं है, के लिए मेरे बच्चे अभी तक नहीं है, तकरीबन 20-25 जने मिलकर रो रहे, तो खुश होता अल्लाह खुश होता, परेशान रखो तू, परेशान रखो तू, बोलो तू पुलिस को, बस देखिए पुलिस वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज फौरी मेरे घर पे आइए, फौरी हम लोग की जान बचाइए, हमारे जान को धोखा है, मेरे बच्चे, मेरे छोटे मासूम बच्चे, मेरे घर में मेरे बच्चे आए, देख सकते हैं आप लोग, देखिए मैं 20 बच्चों के साथ मेरी मई 15 महीने से सुकून में हूँ, कोई सोशल मीडिया पे मैं नहीं हूँ, किसी के अच्छे में बुरे में नहीं हूँ, नमाज पढ़ लो, अल्लाह के पास जा रहा हूँ, मेरी 20 बच्चों के साथ हूँ मैं, मेरे कोई पुराने पुराने वीडियोस लेकर वायरल कर रही, मेरे पुराने पुराने वीडियोस लेकर वायरल कर रही लोगों को, मेरे पुराने वीडियोस जो मैं बड़े लोगों को, कोई MLO को कुछ भी बोला था, उनका पुराने 3-4 साल पुराने वीडियोस लेके मेरे वायरल कर रही, लेकिन आज मैं मेरे 20 बच्चों के साथ सुकून में हूँ, वो पुराने वीडियोस पे कोई यकीन मत कीजिए, हमारी सेफ्टी का सोचिए प्लीज, हमारी सेफ्टी होना, मैं कुछ मेरे बच्चों की सेफ्टी होना, ये देखो आपला, ये बंडा है यहाँ पे, बंडा है वहाँ पे, देखो आपला पूरे बंडे बंडे फेंक के हम लोग के घर पे हमला कर दिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से घर को तोड़ा गया पूरा, इस तरीके से मेरे घर में पूरे बुरे जने घुस गए, ये गाड़ी का आईना फोड़ दिए, पूरे गाड़ियों के आईने फोड़ दिए, खरीब 50-60 जने आए, 50-60 जने, पुलिस को चाहिए कि मेरे बीवी बच्चों की सेफ्टी देखे, मैं तमाम पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हैदराबाद सिटी पुलिस जल्दी आओ मेरे घर पे, पाली शरीफ राजीव गांधी नगर में मेरा घर है, पाली शरीफ राजू गांधी नगर, मार्केट से आगे पाली शरीफ राजू गांधी नगर का घर है, बोलो रिक्वेस्ट कर प्लीज, जल्दी आइए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये लाइव रुकेगा नहीं, क्योंकि वो लोग यही ठहरे हुए, बाजू ठहरे हुए, वो लोग तकरीबन 50-60 लोग हैं जो मास्क लगाकर है और मुंह पे दस्तियां बनकर है लोग, आप लोग जल्दी आइए, हमारी मेरे बीवी बच्चों की मदद करिए, पुलिस घर पे आ चुकी है, हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रहा, दुआ करिए मेरे बीवी बच्चों के लिए, और मैं इससे मेरे मोदी खादरी, मैं डरा हूं तो सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल से डरा हूं, मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता, सिर्फ अल्लाह अल्लाह के रसूल से डरता हूं, लेकिन इस वक्त मैं अल्लाह अल्लाह कर लेते हुए, नमाज पढ़ लेते हुए, 5 टाइम की नहीं 2 टाइम की नमाज पढ़ लेते हुए, आज मेरे 20 बच्चों के साथ मैं सुकून में हूँ, मेरे को सुकून से जीने दो, हाथ जोड़ के मैं माफी चाह रहा हूँ, मेरे को सुकून में जीने दो, मैं 15 महीने से सोशल मीडिया पे मेरी कोई फोटो नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, जो भी वीडियो वायरल हो रहा वो पुरानी वीडियो है, 3-4 साल पुराने वीडियो निकाल रही, मैं डरने वाला नहीं हूँ, ना मैं MLA से डरता हूँ, ना मैं MLA के बेटे से डरता हूँ, ना मैं कोई MP CM से डरता हूँ, लेकिन जो वीडियो है वो पुराने हैं, 2 साल पुराने 3 साल पुराने वीडियो निकाल रही, मैं आज 15 महीने से मेरे 20 बच्चों के साथ पाली शरीफ में हूँ, पाली शरीफ में सुकून की जिंदगी गुजार रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मेरे को जीने दो, मेरे 20 बच्चों को जीने दो, मैं तमाम लोगों से दुआ कर रहा हूँ कि मेरे 20 बच्चों के हक में दुआ करिए, और मैं ना MLA से डरूंगा, ना मैं किसी से डरूंगा, सिर्फ अल्लाह अल्लाह के रसूल से डरूंगा, और जहां तक हो सके ये कार्रवाई को आगे लेके जाऊंगा मैं, और मैं हमारे MP साहब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबर अवैसी जो मेरे बड़े भाई है, अकबरुद्दीन अवैसी साहब से तहे दिल से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अकबर साहब आप बहन बहन बोलते ना, नाहिदा खाजी के घर पे हमला हो गया, अकबर अवैसी साहब नाहिदा खाजी को बहन बोलते ना, नाहिदा खाजी के घर पे हमला हो गया और मुमताज अहमद खान उनके बेटे इम्तियाज के रसोई हमला है, आज पुलिस आ गई, बताओ पुलिस को, आज मेरे घर पे पुलिस है, मैं 15 महीने से सुकून में हूँ,
पहाड़ी शरीफ में जीरो बी बच्चों को लेके छोड़ के चंद्रा गुट्टा छोड़ के सब छोड़ के 15 महीने से मैं जी रहा हूं, लेकिन मेरे को सुकून से जीने नहीं दे रही। मेरी वीडियो देखो, मैं आज भी बच्चों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं। मैं एक पीरियड में एक पॉलिटिशियन में मैं काम करता था पॉलिटिक्स में। 3 साल हो गया मेरे 3 साल पुराने वीडियो वायरल कर रहे ग्रुपों में डाल रही। मेरे वीडियोस पुराने हैं जो ग्रुपों में चल रही, जो मैं बड़े बड़े हस्तियों को कुछ भी बोला था वो वीडियोस पुराने हैं जो मेरे नाम से वायरल कर रही, वो कोई वीडियो नया नहीं है। मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो वीडियोस पुराने हैं। मेरी आईडी है SM रहीमुद्दीन खादरी AIMIM। आप पेज पे जाइए, पेज पे जाकर मेरी आईडी चेक करिए, SM रहीमुद्दीन खादरी AIMIM की। 1 साल से उसके ऊपर कोई मेरी फोटो नहीं है, कोई मेरा वीडियो नहीं है, कोई मेरा बयान नहीं है। जो मेरे वीडियोस पुराने वीडियोस अपलोड कर रही, पुराने वीडियोस मेरे अपलोड करके ग्रुपों में डाल रही कि मैं फलाने MLA को ऐसा बोला, मैं फलाने बड़े आदमी को ऐसा बोला, वो मेरे पुराने वीडियोस है। और मैं MLA मुमताज खान का मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये काम अगर यासर अफरत का काम है ये। देखिए, अगर आप लोगों को वो वीडियो पे डाउट था तो आप बुला के बात करना था, आपका फर्ज बनता था, आप बुला के बात करना था, सच्चाई मालूम करना था, उसके बाद में आप हमला करना। घर में लेडीज रहती, मासूम जवान बच्चियां रहते, अगर इनको कुछ बंडा लग जाता, मेरी जान चली जाती, मेरे बच्चों की जान की, तो इसका कौन जिम्मेदार है? इसका किसी को आपने बनता हमारे घर पे मुमताज खान साहब से तो 10 दिन पहले मिला मैं वाल्टा पे, मैं मेरी बीवी मेरी बेटी तीनों मिलकर मुमताज अहमद खान साहब से 10 दिन पहले मुलाकात करे, हाथ चूम गया मुमताज खान का। आज बोले सो मेरे पुराने वीडियोस को वायरल कर रही, मेरे जो 3 साल पुराने के वीडियोस है, जो 2 साल पुराने मेरे वीडियोस है, वो वीडियो को वायरल कर रही, करके ग्रुपों में डाल रही। तो आज मेरे बीवी बच्चों पे जो हमला हुआ, आज जो मेरे घर पे जो हमला हुआ, क्या ये हमला मुमताज अहमद खान साहब करे या उनके बेटे इम्तियाज अहमद खान साहब करे या कौन करा है ये हमला? पुलिस को चाहिए। और ये लाइव चल रहा, ये लाइव चल रहा लाइव, जब तक पुलिस नहीं आएगी, पुलिस आती है हमारे घर पे। मैं पुलिस का शुक्रिया करती हूँ, सरकार साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरे फोन पे फौरी एक्शन लिया। लेकिन ये मालूम होना कि ये बंडाबाजी कौन करे मेरे घर पे, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मीडिया पर्सन के घर पे हमला हम बंडाबाजी करे? मैं एक मीडिया पर्सन हूँ, मैं नाहिदा खादी हूँ, मेरे घर पे हमला किया गया, कौन ये हमला करा मैं तुम्हें मालूम करना है बस। कौन किसी की इतनी हिम्मत जो हमारे घर पे आके हमला करे? एक लेडीज है घर में बैठी हुई, मेरे बच्चियां हैं, कौन जिम्मेदार? अगर यासर अरफात कोई वीडियो में हमारा नाम दिखा या कोई यासर अरफात की वीडियो था, कोई मुमताज खान से बताओ, उनका काम था बुला के बात करना था, ना कि इस तरीके से हमला करवाना था हमारे घर पे। बस मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये हमला कौन करे, मेरे को फौरी पुलिस से फौरी मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज जल्द से जल्द एक्शन लें और जल्द से जल्द इस चीज का मालूम करें। सरकार साहब, कमिश्नर साहब, SCP साहब, DCP साहब, तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करी, मैं मीडिया पर्सन हूँ, नाहिदा खादरी, मेरे बच्चे जवान घर में थे, मेरे घर पे आधी रात को हमला हुआ। आप देखिए 3:30 हो रहा है इस वक्त के, कुछ ही देर पहले मेरे घर पे हमला किया गया। और अगर मेरी बच्चों की जान को, अगर मेरी जान को कुछ धोखा रहेगा तो इसका जिम्मेदार पूरी पुलिस डिपार्टमेंट रहेगी, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट रहेगा। इस वक्त मेरे घर में जो कांच कांच करके पूरी गाड़ियों के आईने फोड़ दिए, मेरे इस वक्त मेरे गाड़ियों के आईने फूटे हुए, मेरे बिल्डिंग के आईने फूटे हुए, इसके जिम्मेदार पुलिस रहेगी। और पूरा मैं एक MIM का छोटा सा लीडर हूँ। मैडम धैर्य, 315 पे सुनिए, मैं एक MIM का छोटा सा लीडर हूँ, जो मैं 5 साल पहले तक MIM का काम करता था इलेक्शन में, लेकिन आज भी मैं MIM का हूँ लेकिन काम नहीं करूँ, मैं MIM का छू। तो मेरे जो वीडियो थे ना इलेक्शन के,
इसके खिलाफ उसके खिलाफ के पुराने वीडियोस मेरे पुराने वीडियोस को 4 साल 3 साल पुराने वीडियोस को कल से वायरल कर रही ग्रुपों में, जैसा इलेक्शन में बोलते ना इसके खिलाफ उसके खिलाफ। तो एक एमएलए के खिलाफ मैं कुछ बोला, अब मैं नाम नहीं बोल सकता, एमएलए के खिलाफ कुछ बोला 3 साल पहले का वीडियो, एमएलए से मिल भी लिया है, एमएलए के पेट में मुंडी भी डाली, एमएलए का नाम है मुमताज अहमद खान, एमएलए चांदमर के, चांदमर के एमएलए मुमताज अहमद खान थे, मैं भी वही पार्टी का हूँ, उनसे हम 15 महीने पहले उनके पैर पड़ के मार बिछा लिए, अकबर ऋषि साहब मिला दिए हम लोगों को, अकबर साहब मिला दिए, अकबर ऋषि साहब पहचान देना आप, और यासर अरफात साहब से भी माफी चाहिए, मुमताज खान के बेटे से भी माफी चाहिए, लेकिन 3 साल पुराने वीडियोस को आज रिपीट कर रहे, आज वो वही पुराना वीडियो को क्या करे, ग्रुपों में डाले, दुश्मन है मेरे, दुश्मन है ग्रुपों में डाले, मैं ये लड़े झगड़े